अस्सलाम वालेकुम दोस्त, रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी मुसलमान भाई अच्छे होंगे। तो पार्ट टू ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। और हाफिज़ जी जो बयान किए हैं बहुत अच्छे बयान किए हैं आप लोगों के सामने। मैं पार्ट वन पोस्ट कर दिया हूँ यूट्यूब पर, आप लोग देखे होंगे। और ये वीडियो जो चल रहा है ये वीडियो पार्ट टू है। आइए हम अपना वीडियो चालू करते हैं मेरे प्यारे भाई। जब तक मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम अपना वीडियो चालू करते हैं पार्ट टू में, आप लोग बने रहिए। कहा मैंने तुम्हें एक महीने की मोहलत दी है, एक महीने का टाइम दिया है जी, एक जी। महीने के अंदर अंदर आप मुझे ये तीनों सवालों का जवाब ला कर दें और आधी सल्तनत आप अपने हिस्से में ले लें। आप अपने हिस्से में ले लिया आधा। वजीर ने कहा ठीक है। वजीर ये तीनों सवालों के जवाब लेने के लिए महल से निकल गया जी जी। उसने एक मीटिंग रखी, बड़े बड़े अकलमंद लोगों को उसने दावत दी, बुलाया। और बुलाने के बाद उसने एक मीटिंग रखी और अपने तीनों सवालों को उन लोगों के सामने पेश किया जी जी। कि आप लोग अपने अकल के मुताबिक मुझे बताएं इसका जवाब क्या होता है, क्या होता है जवाब। और ये याद रखना कि सवालों के जवाब सही बताना, अगर तुमने जवाब गलत बताए जी। हमने बादशाह के सामने यही बात पेश कर दी, यही जवाब दे दिए, तो बादशाह को अगर ये लगा कि ये जवाब गलत है तो बादशाह मेरी गर्दन को उड़ा देगा, मुझे कत्ल कर देगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी जी। मेरी दुनिया उजड़ जाएगी जी। सब चीज खत्म हो जाएगी, फिर मैं सल्तनत का क्या करूंगा, मेरी सल्तनत जो आधी मुझे मिलने वाली है तो चली जाएगी, क्योंकि मैं ही नहीं रहूंगा। तो आप जरा सोच समझ के आप लोग अपने अकलों पर जोर डालें, दिमाग में बैठाएं, सोचें, लेकिन मुझे इसका जवाब बताएं। मीटिंग चलती रही, आखिरकार जितने लोग आए थे सबने कुछ ना कुछ सवाल बताए, सवालों के जवाब दिए। जब इसने उनकी बातों को सुना, उनके जवाबात को सुना, तो कोई भी जवाब सही नहीं था, सही नहीं था जवाब। उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तौर तरीके से जवाब दिए, लेकिन किसी का भी जवाब सही नहीं मिला इसे, सही नहीं मिला इसे। तो इसने सोचा कि यार इतने अकलमंद लोगों को मैंने बुलाया और किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, आखिर अब क्या किया जाए। अब ये निकल गया, जा रहा था, यही सोच इसके दिमाग में थी कि आखिर किसके पास जाएं और सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। एक शख्स से मुलाकात हुई, उस शख्स ने पूछा कि आप बहुत परेशान लगते हैं, आप मुझे बताएं कि आप क्यों परेशान हैं। वजीर ने कहा बात ये है कि बादशाह सलामत ने मुझे तीन सवाल दिए और उनके जवाब मांगे हैं, काफी लोगों से पूछने पर भी इसके जवाब सही नहीं मिल पाए हैं। मैं इसी कश्मकश में हूँ, इसी सोच में पड़ा हूँ कि आखिर किससे ये सवालों के जवाब पूछूं, कौन आखिर ये तीन जवाब बताएगा, कौन बताएगा जी। उस शख्स ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वजीर ने कहा अच्छा तो आप बताओ, आप बताओगे, आपको पता है। उसने कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स का पता जानता हूँ कि वो आपके तीनों सवालों का जवाब दे देगा। अच्छा, आपके जो तीन सवाल हैं इनके जवाब आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, और आप बादशाह सलामत के सामने उनको पेश कर सकते हैं। कहा बताओ उनका पता बताओ। उस शख्स ने उसका पता बताया, कहा जाओ वो खुला जंगल में एक झोपड़ी लगा के बैठा होगा जी जी। अब वजीर उसकी तलाश में निकल गया, उसी जंगल में गया जो उसने एड्रेस बताया था, वहां पर एक झोपड़ी देखी तो उसको थोड़ी तसल्ली हुई, दिल में थोड़ी ठंडक पड़ी जी, और जी। उसी झोपड़ी के पास चला गया, चला गया। जब उस झोपड़ी के पास गया और अंदर जब दाखिल हुआ जी, तो वही बुजुर्ग, वही बूढ़े शख्स जिसके बारे में उस शख्स ने बताया था कि वो आपके सवालों के जवाब दे देंगे जी जी। अब ये झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, जैसे ही बुजुर्ग ने देखा, कहा आइए वजीर, आप जरूर सवालों के जवाब लेने के लिए आए हैं जी जी। तो वजीर ने कहा बाबा जी आपको कैसे मालूम कि मैं सवालों के जवाब आपसे लेने आया हूं और मैं वजीर हूं जी जी। आपको कैसे मालूम चला? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि मुझे ऐसे मालूम चला कि तुम्हारे जो हुलिया है, तुम्हारा जो लिबास है, तुम्हारे पास जो सामान है, बैग वगैरह है, ये सब वजीरों का ही है, क्योंकि कभी मैं भी वजीर हुआ करता था, कभी मैं भी वजीर था। और जिस तरीके से तुम आज सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकले हो, मैं भी एक वक्त था जो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकला था जी जी। लेकिन मुझे मेरे सवालों का जब जवाब मिला तो मैं बादशाह की गुलामी करने के लिए नहीं गया जी। मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए आ गया, मैं अल्लाह की इबादत में लग गया जी। जब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले तो मैंने सोचा कि मैं बादशाह की गुलामी क्यों करूं,
क्यों कर मैं उसकी गुलामी करूं कि जिसकी गुलामी बादशाह भी करता है और जिसकी गुलामी सारी दुनिया करती है। तो मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत के लिए आ गया हूँ, अल्लाह की इबादत में लग गया हूँ, तो मैं अब किसी की गुलामी नहीं करता। क्योंकि मुझे मेरे सवालों का जब जवाब मिला तो मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या करना है। अब आप पूछो कि आपके सवाल क्या है, मैं उनके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वजीर ने कहा, बाबा जी मेरे तीन सवाल हैं, क्या आप उनके जवाब दे पाएंगे? कहा, वजीर आप सवाल करें। कहा, बादशाह सलामत ने सवाल किए हैं, पहला सवाल तो ये है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को ये पार्ट टू वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अब बहुत जल्द ही पार्ट थ्री वीडियो हमारा आने वाला है, तो देर किस बात की, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी दोस्तों को मिलेंगे अगला वीडियो में, जब तक अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखना।